नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर कई घंटों तक चले महामंथन की। प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस आलाकमान और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ तैयारियों में जुट गई है। आज दिल्ली में AICC राहुल गांधी KC वेणुगोपाल की मौजूदगी में करीब 4 घंटे तक राजस्थान कांग्रेस को लेकर महामंथन चला। कांग्रेस के इस महामंथन में राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ डोटासरा मौजूद रहे, जबकि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत VC के जरिए इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेताओं के साथ गहरा मंथन हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और सभी नेताओं की राय जानी। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में राजस्थान में चुनाव जीतने पर मंत्रणा की और पुरानी बातें भूलकर भविष्य पर फोकस करने का मंत्र दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव में परंपरागत वोटर्स को साधने की रणनीति और गहलोत सरकार की योजनाओं को आखिरी छोर तक ले जाने की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही बैठक में शामिल सभी नेताओं को राजस्थान चुनाव जीतने को लेकर टास्क दिया गया। इस बैठक के बाद संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में चुनाव से पहले सितंबर में ही टिकटों का वितरण कर दिया जाएगा और जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका मिलेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के सभी विधायक और मंत्रियों को राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाने का टारगेट दिया गया है, जहां सरकार के कामों के बारे में घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए अभियान की कल से शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को बढ़ाने की दिशा में आगे काम किया जाएगा और हमारी सरकार ने 5 साल में अच्छा काम किया। अब हम योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में अग्रसर होंगे। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जो बीत गया उसको खत्म कर हमने भविष्य की बात की है। रंधावा ने कहा कि हमारा सर्वे चल रहा है और सर्वे पूरा होने के बाद हम कर्नाटक की तरह प्रत्याशियों का ऐलान चुनाव से पहले ही कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के परंपरागत वोट बैंक SC ST OBC लोअर क्लास जनरल समुदाय के लोगों पर फोकस करेंगे। राजस्थान सरकार के जनहित में किए गए काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इस सबके बीच सवाल ये उठता है कि दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन से आखिर निकला क्या? दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो रोडमैप तैयार हुआ है वो कितना सफल रहेगा? कांग्रेस में हम साथ साथ है का फॉर्मूला कितना सफल होगा और कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को कितना कैश कर पाएगी? क्या कांग्रेस राजस्थान में ट्रेंड बदल पाएगी? और बड़ा सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में रिपीट कर पाएगी? तो आज की हमारी बड़ी बहस इसी पर फोकस रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो देखिए आखिर दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन से क्या निकला, स्पेशल ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सितंबर में जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट, ये जानकारी KC वेणुगोपाल ने दी। बिना CM फेस के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, अपने आप में बड़ी खबर। यानी कि कोई चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एकजुटता का मंत्र आखिर कांग्रेस में कितना सफल होगा? एकजुटता पे बात तो कर रहे हैं लेकिन ये बात कितनी सफल होगी? क्या कांग्रेस राजस्थान में ट्रेंड बदल पाएगी? ट्रेंड यानी हर 5 साल में सरकार के बदल जाने का ट्रेंड। क्या कांग्रेस इस ट्रेंड को बदल पाएगी? कभी BJP कभी कांग्रेस, क्या राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी? और अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कांग्रेस बनाएगी। दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन से आखिर क्या निकला, ये हम आपको अब से थोड़ी ही देर में चर्चा के दौरान भी बताएंगे। तो
आज की बड़ी बहस का हम सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided there should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. Earlier, there was differences, but aaj ka meeting ka स्पेशलिटी है पूरा नेतागण एक ही साथ डिसाइड हो गया यूनिटी के बारे में हम इलेक्शन लड़ना चाहिए। कांग्रेस यूनिटी है एंड हमारा गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा, स्कीम्स आर वेरी गुड, दैट स्कीम्स नीचे लेवल पहुंचने के लिए ज़्यादा काम चाहिए, उसी तरफ हम प्रिपरेटरी प्लान हो चुका। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा has created a big atmosphere in Rajasthan. Everybody unanimously told that after Bharat Jodo Yatra, entire situation of Rajasthan has been changed. Now Karnataka election victory also made a major role. After that, you can see the scheme of Rajasthan, all poor friendly schemes. We are started to doing it. It is reaching it to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. We will announce the candidate. This is quite advanced announcement, going to be a quite advanced announcement. Therefore, today's meeting was very important and very fruitful and very successful. I know you are all interested that how Rajasthan, what is going to be happened after Chhattisgarh. This is the fifth meeting actually. In the history of Congress, we have doing this type of advanced homework for election preparation. Is in the past. We have done Madhya Pradesh meeting, we have done Chhattisgarh meeting, we have done Telangana meeting, we have done Mizoram meeting. Today, last meeting of Rajasthan, all the five state election preparation meeting is over. Now, election campaign is going to be start without any delay. We are in full form to defeat BJP in all the states. We never announced the chief minister candidate, but we will fight together in the election. There is a government. Good government is there. Government is doing very good calm. That calm will give a result. That work will give a result. आज हमारी मीटिंग कोई तकरीबन चार घंटे चली और टोटल जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आरजी राहुल जी और वेणुगोपाल जी और 29 जो पार्टिसिपेंट्स थे, मिनिस्टर्स एंड अदर लीडर्स, सभी को एक एक को बुलाकर वहाँ उनके विचार लिए गए और सभी ने एक ही बात कही कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे। और एक उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक फेस होगा और हमारे में कोई डिवीज़न नहीं है, सभी लीडर हम इकट्ठे हैं और किसी की कोई जो भी पीछे वाला है वो पास्ट जो आज सब ने खत्म कर दिया और आगे फ्यूचर की बात सभी ने की। जो विनोद जी ने पहले कह दिया कि कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारा सर्वे चल रहा है और काफ़ी उसमें कर दिए हैं और हम जल्दी, जैसे कर्नाटका में कैंडिडेट हमने पहले अनाउंस कर दिए थे, वैसे ही हम पहले
करेंगे और साथ ही जो वहाँ हमारे गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं वो सेपरेटली चलते रहेंगे और कांग्रेस की कैंपेन जो है वो भी साथ अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं। पार्टी में जो जितने भी हैं पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें स्पेशली एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस और जो लोअर क्लास जनरल है जो लोअर इनकम की है उनको सभी को हम उनको रिड्रेस करेंगे और पूरे जो कांग्रेस है जो छोटा वर्कर है बड़ा वर्कर है वहाँ एक राहुल जी ने बात कही है कि ये कांग्रेस वर्कर की गवर्नमेंट है और जो वहाँ गवर्नमेंट ने काम किए हैं गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं वो वर्करों की ही सरकार आगे होगी, ये हमने फैसला किया और सभी ने कि अब जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का वो चीफ मिनिस्टर का आ गया है तो वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। तो हमारी आज की बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन से आखिर क्या निकला। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के, और अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ऑल इज वेल ऑल ओके, सभी लोग ठीक हैं, एक मंच पर सब पार्टी के साथ हैं और चुनाव में सब साथ लड़ेंगे, ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिसके बाद सवाल खड़े होने लगते हैं। तो आज तो आप लोगों को बूस्ट करने वाली मीटिंग हुई है, लेकिन क्या माना जाए, अब सब कुछ ठीक है वाकई में? और इस महामंथन से क्या कुछ निकला, एक बार वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए विवेक जी, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर 24 अकबर रोड पे एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक के अंदर हमारे युवा दिलों के धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहे और उन दोनों की उपस्थिति के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी वर्चुअल आए क्योंकि उनके पांव में चोट लगी हुई है। हमारे प्रभारी आदरणीय रणधावा जी शामिल हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश सचिन पायलट सहित अनेकों विधायक और मंत्री उस बैठक में शामिल हुए। सबने एक सुर में बात कही कि बीती बात बिसारिए आगे की सुध ले। सबने ये तय किया है, आज उस मीटिंग में चार घंटे की जो मैराथन मीटिंग चली उसमें तमाम नेताओं ने विधायकों ने मंत्रियों ने राहुल जी सहित सबने ये तय किया कि हम सबका टारगेट भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी को 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से पटकनी देनी है और 2024 के अंदर 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेने हैं। सबने एक सुर में कहा कि हमारे कोई गुट नहीं है, हमारा गुट सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी राहुल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बहुत जबरदस्त पटकनी देंगे। सबने एक सुर में कहा कि राजस्थान में सरकार और संगठन में शानदार समन्वय चल रहा है, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय नड्डा साहब, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को वो चिंता में डाले हुए हैं, इसलिए हम उन चिंताओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे और अशोक गहलोत जी की सरकार की जो शानदार बड़ी 10 योजनाएं चल रही है, महंगाई राज शिविर के माध्यम से हम राजस्थान की जनता के बीच जा रहे हैं और हमको उस शिविरों के अंदर राजस्थान की जनता जबरदस्त रेस्पॉन्स दे रही है। विवेक जी, एक बात और बता दूं मैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से यात्रा की और शानदार सफलता की, उसमें हमने
हिमाचल पाया और हिमाचल के बाद हमने कर्नाटक पाया। हिमाचल और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बूस्ट का संचार हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भरपूर उत्साह के साथ भरी हुई है और हमारे जो महंगाई जो राहत शिविर चल रहे हैं उसमें जो राजस्थान की जनता हमको रेस्पॉन्स दे रही है वो ये रेस्पॉन्स बताता है कि राजस्थान में राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार फिर कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। अच्छा, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। अटल जी, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी पार्टी इतने आराम से इस पूरे वाक्य को देखेगी, और आपका तो नाम ही अटल है। अटल जी के नाम पर तो पूरी बीजेपी सशक्त हो जाती है। अटल खंडेलवाल जी, अटल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। कृपया अनम्यूट कर लीजिए ताकि हमारे दर्शक भी आपकी बात सुन सके। जी हाँ, बिल्कुल अब आ रही है आवाज, एकदम बुलंद आवाज आपकी, बोलिए। बिल्कुल सब, पहले तो मैं एक छोटा सा गालिब का शेर है जी। मन को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। ये कुछ ऐसा ही है। आज की मीटिंग आप देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि वेणुगोपाल जी आते हैं और कहते हैं कि आज बहुत सीरियस मीटिंग हुई है। हाँ। तो क्या पहले वाली मीटिंग मजाक में होती थी क्या? इनकी जो सितंबर में हुई थी वो मीटिंग मजाक में थी क्या? पहली बात। दूसरी बात, एक हमारे कहावत है साहब की मार जो है उसके घाव तो भूले जा सकते हैं लेकिन गोली के घाव नहीं भूले जा सकते। पायलट एंड गहलोत साहब की जो लड़ाई थी उसमें गहलोत साहब ने पायलट साहब को क्या नहीं कहा? नकारा, निकम्मा, नालायक और बिना बुद्धि वाले, बुद्धि का दिवालियापन, ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग में लिया। अब ये बातें तय होगी क्या? अभी ये कह रहे पटक नहीं देंगे। इन्होंने पहले तो जनता को पटक नहीं दी, अब इनके टारगेट पे ये लाना चाह रहे भाजपा को। जनता सब देख रही है, 4.5 साल तक तो कुछ किया नहीं और अब लास्ट 6 महीने ये जो जितनी भी योजनाएं दे रहे हैं वो 6.5 महीने से, जबकि उससे पहले पूरी जनता राजस्थान की भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। एसीबी जैसी अच्छी संस्थान ने 569 लोगों को पकड़ा इनके महकमों ने और इन लोगों ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसका मॉरल बूस्ट करने की बजाय अभी डाउन हो रखा है। आप ये बताइए, गुमराह करने की जो इनकी रणनीति है वो सेट नहीं है। इन्होंने रंधावा साहब ने आज कांग्रेस बड़ी तुष्टि कांग्रेस कह रही है। अटल जी, अटल जी, कांग्रेस कह रही है कि चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, किसी चेहरे पे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये देखिए कि कल तक कह रहे थे गहलोत साहब हमारे महात्मा गांधी ये उपनाम उनके कई सारे लगा रहे थे। हाँ। अब वो कह रहे नहीं 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 नहीं, हम में बंटवारा हो चुका है, 3 जगह है ये बंटवारे। हम साथ साथ का फॉर्मूला होगा, कांग्रेस का फॉर्मूला होगा हम साथ साथ। ये केवल जुमलेबाजी है जनता को गुमराह करने की। आप बताइए, आज इन्होंने ये नीति अपनाई कि सब हम मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन बाद में करेंगे क्योंकि ये हमारा इतिहास रहा है। कल तक ये कह रहे थे हम गहलोत साहब के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, आज ये कह रहे हैं कि हम हमारी स्थिति नहीं है ये कहने की, और सबने चुप्पी धारण कर ली। इन तीनों में बंटवारा हुआ है, गहलोत साहब, पायलट साहब और आला कमान, इन सब ने अपने अपने सीटें बांट ली है जो सेप्टेम्बर में ये कह रहे हैं कि हम घोषित कर देंगे और ये सब करेंगे। मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूँ कि रंधावा साहब, देखिए आप इनके स्टेटमेंट, तुष्टिकरण की नीति के चलते ये बहुत सारी जातियों में बांटने के लिए बहुत सारी बातें कर देते कि हम इनको लेकर चल रहे हैं, एससी को, एसटी को, इसको, उसको। इन्होंने पसमंदा मुस्लिम्स का नाम नहीं लिया, वो भी बहुत आज की तारीख में सबसे ज्यादा वोट इन्हीं लोगों को दिए उन्होंने, मुसलमानों ने, लेकिन न उनकी महिलाओं के विकास के लिए कोई बात की, नए पसमंदा मुस्लिम्स के लिए इन्होंने कोई बात की। क्यों? ये जानते हैं कि ये लोग तो हमको देते आए हैं और वो बेचारे आज जो भारत की मुख्य आर्थिक स्थिति है उससे बहुत पिछड़ चुके हैं, लेकिन इनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल उनको गुमराह कर रखा है कि
कि अगर बीजेपी आ गई तो तुमको खा जाएगी। मेरे ये बात नहीं समझ में आती कि उन लोगों को भी पता नहीं किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उनकी ये समझ में आए कि ये केवल मूर्ख बना रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। ये पहले हमको बीजेपी को टारगेट करेंगे, पटक नहीं देने की बात ही बीजेपी को करने लग गए ना सारे के सारे। जीतने के बाद ये किसको पटक नहीं देंगे, ये लड़ेंगे और जनता को पटक नहीं देंगे। 4.5 साल से क्या कर रहे थे ये, क्यों नहीं दी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ठीक है ठीक है, पहले क्यों नहीं दी इन्होंने, अभी क्यों दी? अप्रैल मई जून जुलाई यही आप लोगों को राजस्थान की जनता समझदार है जी, जी, गलत फहमी मत रहना जी। अटल जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? 4.5 साल बिल्कुल निष्क्रियता के निकल गए। आप बताइए, किसानों का कर्ज माफ कर दिया है क्या? राहुल गांधी जी आए थे, बोले थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। 19,000 किसानों की जमीनें इन्होंने आज की तारीख में खत्म कर दिए। क्या बात कर रहे हो, इन्होंने क्या किया? मैं पूछता हूँ, 2020 के अंदर लड़ना शुरू किया इन्होंने जी, कितनी मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। कभी खड़गे साहब, कभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब इन्वॉल्व हो गए इनके हाथ खड़े करने में। ठीक है, हंसते हुए आते हैं फिर 15 दिन में लड़ लेते हैं। मैं आता हूँ सर आपके पास। राजकुमार जी, बीजेपी हर बार इस सवाल को खड़ा करती है सर कि 4.5 साल में आप लोग कुछ नहीं किए, चुनावी साल आया तो जनवरी फरवरी मार्च के बाद फिर झड़ियाँ लग गई और ट्रेंड सेट हो गया। क्या ये बात सही है राजकुमार जी कि चुनावी साल में ज़्यादा घोषणाएं हुई? राजकुमार जी, अच्छा ठीक है राजकुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। अटल जी, कांग्रेस कह रही है साहब कि एकजुटता इतनी ज़्यादा है हम में कि कोई ये भीतर खाने वाली बात नहीं है, सब सब बढ़िया चंगा हो जाएगा और जो ट्रेंड है उसे भी हम चेंज कर देंगे। वो 5 साल सरकार बदली वाला जो ट्रेंड राजस्थान में चल गया है उसे भी हम बदल देंगे। देखिए साहब, ये जो बोलते हैं ना हमारे गहलोत साहब जादूगर है, वो जादूगर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। तो ये ट्रेंड जो अब ये नई लैंग्वेज लाए ना, ट्रेंड सेट कर देंगे, वो भी ये कि मूर्ख बना देंगे। आप इसको इस तरीके से लीजिए, आप बताइए क्या ट्रेंड सेट कर देंगे और ट्रेंड चेंज कर देंगे, मतलब वो जो 5 साल में सरकार बदल जाती है वहाँ पे हो सकता है लड़ने का ट्रेंड चेंज कर दें। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी में अच्छी बन गई तो फिर बीजेपी फिर क्या करेगी? बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला होगा? क्योंकि आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा समझिए, हम लोग किसानों की बात करते हैं, हम लोग जवानों की बात करते हैं, हम लोग ये इनकी तरह पुअर, इन्होंने कहा कि सब पुअर्स के लिए हम स्कीम ला रहे हैं, हम पुअर्स के लिए स्कीम तो लाएंगे ही लाएंगे, उनको मुख्य धारा में सेट करने के लिए या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार सर्जन करके देंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। केवल ये सरकारी नौकरियों के बाहर, मतलब केवल सरकारी नौकरियों के बेस पर इस देश से बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है, तो यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। ये राहत कैंप जैसे, ये जो कह रहे हैं ना राहत कैंप, ये राहत कैंप आने चाहिए थे कोरोना काल में, लोगों को वास्तव में राहत होती है। चुनावी टाइम में राहत कैंप की बात कर रहे हैं, ये आप बताइए जनता इतनी मूर्ख है क्या? अब आज 70 साल बाद एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। आज राजस्थान की जनता, ये जो आरटीएच है, आरटीएच एक ऐसी योजना है जो पूरे देश के लिए नजीर है। अन्य राज्य इतना प्रेरित हो गए राजस्थान से कि अन्य राज्य अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। बड़े एक बात और, आरटीएच को देखकर इन्होंने ये भी गुमराह कर रखा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसको खत्म कर देगी। नहीं, मैं आपको इसी मंच से बोलता हूं कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, भले वो गहलोत साहब ने की होगी, हम उसके लिए उसका धन्यवाद भी करते हैं कि कोई अच्छी योजना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन हम वो अच्छी योजना जारी रहेगी
और उस अच्छी योजना के लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा उसकी भी हम चिंता करेंगे। आप मानते हैं आरटीएच और ओपीएस अच्छी योजना है? आरटीएच और ओपीएस अच्छी योजना है मानते हैं आप? देखिए साहब, आरटीएच अच्छी योजना है, ओपीएस के लिए आप समझने की कोशिश करिए, ओपीएस को फिर रीइवैल्यूएट किया जा रहा है। ओपीएस क्यों खत्म किया इस बात का आप इन्हीं से एग्जांपल, वो एनपीएस क्यों खत्म कर रहे हैं, हम एनपीएस की बात क्यों कर रहे हैं, इस बात का सवाल इन्हीं से ले लीजिए। एनपीएस कोई खराब स्कीम नहीं है, उसको केवल गुमराह करने के लिए उसके अंदर 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं। अपन बहुत ज्यादा इसमें नहीं, अभी एनपीएस को और हमारी जो वित्त मंत्री है सीतारमन जी और वित्त के जितने भी सेक्रेटरी वगैरह है वो इसको और बढ़िया से एनपीएस को लाने की कोशिश करेंगे। लोगों को घबराने और चिंता करने जैसी बात नहीं है, हम सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। हमारा संगठन इस तरीके से नहीं है। जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो भारत का विकास कोई भारत लोगों से बना हुआ देश है, जब तक लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक भारत के अंदर डेवलप कंट्रियों जैसा वातावरण नहीं बनेगा, सामाजिक सुरक्षा हम उसी लेवल पे देना चाहते हैं तो हम वो नहीं है कि हम किसी भी तरीके से छीने सामाजिक सुरक्षा को, हमारी स्थिति वो नहीं है। तुष्टीकरण जैसी राजनीति नहीं है, हम तो ये और चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो जिससे मुस्लिम महिला भी इस देश के अंदर अपना योगदान दे सके और वो प्रताड़ना से बाहर आए। लेकिन ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि भाई यूसीसी आखिर सारे धर्म के लोग हाँ कर रहे हैं तो मुस्लिम्स को भी क्या है, मुस्लिम्स को ये तोड़ना पड़ेगा और अपनी महिलाओं को उनको उनको अधिकार देने पड़ेंगे। अच्छा, तो हमारा विचार ऐसा है सर, हम डेवलपमेंट वास्तविक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम केवल बातों में और ये चुनावी दृष्टिकोण को देख मुझे, करते हुए मुझे एक हमारी वो सोच एक एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आज का हमारा मुद्दा है कि हम बहुत सारे सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान में जैसे कांग्रेस रिपीट होगी, ट्रेंड बदलने की कांग्रेस बात कर रही है, अगर सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के बीच सब बेहतरीन बेहतर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा, या आप लोग अभी भी पूरी देखो, वैसे भी इनकी अंतर्कलह से हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ नहीं, लेकिन अगर 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 वो सब ठीक हो जाएगी, आप सोच रहे हो कि अंतर्कलह अगर ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी, तो उससे तो फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा ना? क्या पड़ेगा जब हम हमारे आपको नहीं लगता हमारा अपना संगठन है, हमारा अपने काम है और हम जनता के बीच में दो ही चीज, मतलब आप समझिए हमारे हम क्या करने वाले हैं और इन लोगों ने क्या उन लोगों को गुमराह किया, ये दो ही बात लेकर के जाएंगे। पहली अच्छा। बात कि हम भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस प्रदेश को आगे बढ़ाएगी, विकास करेगी, डेवलप करेगी, इसके जो लोग हैं उनका अपग्रेडेशन करेगी, पहली चीज। दूसरी, इन लोगों ने क्या नुकसान कर दिया प्रदेश का, आज महिला उत्पीड़न को देखो, रोज पिछले आप अगर 6 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए आपको महिला उत्पीड़न, हत्याएं और गुंडागर्दी ये चरम पे मिलेगी। भ्रष्टाचार के मामले को भी देख लीजिए आप, देखिए भ्रष्टाचार को ये छुपाने के लिए मिर्च मसाले दाल ये वो इस तरीके के गुमराह करने की ये कोशिश कर रहे हैं जनता को। अरे भाई मैं एक, हम लोगों ने ये बहुत बचपन में ही सिखाया गया है कि मछली देने से बेटर होता है मछली कैसे पकड़ी जाए, इसके डेवलपमेंट किया जाए, लोगों को अपग्रेड करो, अपग्रेड करने पर भी ध्यान दो, ऐसी योजनाएं लाओ कि जो अपग्रेड किया जा सके। आप बताइए इनकी कौन सी योजना है जो ये कहती है कि ये व्यक्ति गरीब है लेकिन इस योजना में आएगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। आप एक योजना बता दीजिए इनको, मेरे को बता दीजिए, आप ही बता दीजिए इनकी इतनी सारी योजनाओं में। अब देखिए मैं योजना बताऊंगा फिर आपको लगेगा मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। पर मैं केवल एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि कांग्रेस तो साहब कह रही है कि फेस हम नहीं दिखाएंगे, फेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर अच्छा, अटल जी आपकी पार्टी का क्या
इस पर जवाब होगा कि क्या आप लोग पहले तो चेहरा दिखाकर तो चुनाव लड़ेंगे, चेहरे से चुनाव लड़ेंगे? निष्पक्ष सर, एक तो आप पहले निष्पक्ष होकर के जवाब दीजिए, अजम्पशन करिए कि ये चेहरा नहीं दिखा करके, और एक अजम्पशन करिए उनकी प्रतिक्रिया है सर, उनका कहना है कि हम चेहरे से चुनाव नहीं लड़ रहे, किसी भी तरीके से गुमराह करके जीत जाते हैं तो क्या होगा? आप बताइए, आपको लगता है ये गठबंधन, ये लोगों के मेलजोल बढ़ जाएंगे? और ये इनकी लड़ाई क्या थी, पायलट और गहलोत साहब की लड़ाई क्या थी, बेसिक क्वेश्चन पे आइए। और डिप्टी सीएम तो पायलट का पहले ही थे, मुझे तो वर्चस्व की लड़ाई मुख्यमंत्री के लिए, अगर अगर ये लड़ाई है तो ये वर्चस्व की लड़ाई लगती है, है ना? मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन दोनों में से? दोनों व्यक्ति यही है, दोनों का एक ही सीट पे दावेदारी। अटल जी, आप थोड़ा सा अपनी पार्टी का भी बताइए ना कि बीजेपी बीजेपी का चेहरा क्या होगा, क्या देखिए बीजेपी चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? हमने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी डिसिप्लिनरी संगठनात्मक पार्टी है, जो संगठन कहेगा वो व्यक्ति चुनाव में, मतलब वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमने पहले से स्टैंड ले रखा है। तो बताइए आप, हमारी पार्टी का तो शुरू से स्टैंड यही है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जहां भी हमारा ये चुनाव हुए हैं और हम जीते हैं, तो संगठन ने जो कहा वैसा कर लिया। कहां आप बताइए, कहां पर कोई विरोध है, प्रतिरोध है, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, मिला जुला जवाब दिया सर आपने अटल जी। राजकुमार जी, सीएम फेस ना उतारने से क्या समझा जाए? चेहरे पर चुनाव आप लोग नहीं लड़ेंगे, इससे हम क्या समझें? राजकुमार जी, विवेक जी, कांग्रेस पार्टी ने कहा ना, हमारा चेहरा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है। हाँ। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, सब लोगों के नेतृत्व में हमारे डोटासरा जी, सचिन पायलट साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, रणधावा जी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, छोटे बड़े कार्यकर्ता, और विवेक जी इस बार तो राजस्थान की जनता भी अशोक गहलोत जी के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है विवेक जी। एक जवाब नहीं, अब दो जवाब हो गए, अब ये दो जवाब हो गए। अगर अगर सीएम साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इस चीज को क्लियर कीजिए ना कि हम सीएम साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी हमारे लिए, नहीं जनता के लिए। विवेक जी, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, हमारा चेहरा सोनिया गांधी, राहुल जी, खड़गे जी, रणधावा जी, प्रियंका जी, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और विशेष तौर पे राजस्थान की जनता, राजस्थान की जनता भी इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पटक देगी। क्यों देगी, मैं आपको विवेक जी बता दूं, आदरणीय अटल जी को भी मैं बता दूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं। राजकुमार जी, एक छोटा सा सवाल इसी में, मेरी बात पूरी कर दूं विवेक जी। विपक्ष ये कह रहा है सर, विपक्ष ये कह रहा है कि जो यूनिटी होनी चाहिए वो यूनिटी नहीं है सर, और वही चीज सिर्फ अटव्वल देखने को मिलेगी। तो क्या अगर ऐसा रहा तो सर अल्टरनेट, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा अगर ऐसा रहा तो? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी तो 2-3 साल से प्रयास कर रही है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिरा दी जाए, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के खून में, डीएनए में कांग्रेस का खून है, इसलिए कांग्रेस का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, और हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं सफल हो रही है। राजस्थान की जनता राहत शिविरों में आ रही है, ढोल नगाड़े बजा रही है, अशोक गहलोत जी के कांग्रेस के जय जयकार के नारे लगा रही है। और मैं एक बात और कहूं, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले कि राजस्थान हिंदुस्तान का पहला राज्य है जब 4.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार विरोधी लहर नहीं चली है। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी चाहिए, चाहे अटल खंडेलवाल जी ताकत लगा ले, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली पुरानी बीजेपी या अभी वर्तमान में मोदी जी वाली बीजेपी, दोनों बीजेपी मिलकर ताकत लगा ले, लेकिन अशोक गहलोत जी का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है। और एक बात और मैं कह दूं, राजस्थान की जनता 2018 में जब अकाल पड़ा था तब भी इन्होंने अशोक गहलोत जी को परखा था,
जब अकाल पड़ा था, जब हमने घरों में गेहूं की बोरियां भर दी थी, और अभी जब कोरोना आया विवेक जी, जब राजस्थान में कोरोना आया, केंद्र सरकार ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। उन्होंने राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और रही बात अब चुनाव की, मैं आपको कह रहा हूं कि 2023 में चुनाव हमको जिताने में, जो हमारी जो 10 बड़ी योजनाएं है ना, ये 10 की 10 बड़ी योजनाएं हमारा मार्च से शुरू साबित हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी चिंतित इस बात को लेकर के है कि राजस्थान में 10-10, 12-12 मुख्यमंत्री के चेहरे घूम रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी का मुकाबला करने के लिए केवल एक भी चेहरा इनके पास नहीं है। इसलिए आलाकमान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आप लोगों के बस की बात नहीं है, हम खुद आ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है, मैं मेरी बात पूरी कर दूं विवेक जी, आप देख रहे होंगे लगातार कभी इनके हमारे नरेंद्र मोदी जी कभी राजस्थान में आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी राजनाथ जी आ रहे हैं, कभी पीयूष गोयल साहब आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैबिनेट राजस्थान पे फोकस किए हुए है। और मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को इंडिया न्यूज चैनल पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ले आओ, अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस का कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी 2023 में और 2024 में नहीं कर पाएगी। इस बात का मैं आपके चैनल पे ठोक ठोक के कह रहा हूँ। जी सर, जी बिल्कुल। चलिए मैं एक चीज जरूर पूछूंगा, बीजेपी ये कह रही है साहब कि योजनाएं सिर्फ इसलिए ले आए चुनावी साल में कि कुछ दिखाने के लिए हो, 4 साल 4.5 साल निष्क्रियता के निकल गए, काम नहीं किया, कोई योजना नहीं लाई, जनता के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया, तो ये 6 महीने में बैलेंस कर रहे हैं, ये आरोप क्या सही है? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी को जानकारी नहीं है, जब हमको राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया सत्ता हासिल करने का, सत्ता प्राप्त करने का, हमने यहाँ सत्ता प्राप्त की और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। विवेक जी, जब से राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने सरकार संभाली, हमारे थोड़े दिन बाद ही यहाँ कोरोना आया, कोरोना का हमने डट के मुकाबला किया, और जब कोरोना गया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं राजस्थान को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने दूंगा। हमारे जो 5 बजट आए, एक से बढ़ के एक बजट आए, हमने किसी भी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया और राजस्थान की जनता को हमने पूरा लाभ देने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी आदरणीय अटल खंडेलवाल जी को पता नहीं है कि वो हमने कांग्रेस में क्या क्या हमने बढ़िया बढ़िया काम किए। मैं आपको बता दूं, 8 रुपए के अंदर इंदिरा गांधी योजना के तहत भोजन मिल रहा है, ये बात 8 रुपए के अंदर। और अटल जी, कभी अस्पताल में जाओ, हमने तो जानवरों की दवाइयां पिछले कार्यकाल में पूरी कर दी, फ्री कर दी थी। जानवरों की दवाइयां फ्री है, जानवरों के टेस्ट फ्री है, इंसानों की दवाइयां फ्री है, इंसानों के टेस्ट फ्री है, बड़े से बड़े टेस्ट भी MRI करा के आओ, SMS अस्पताल में सारे के सारे फ्री है। विवेक जी, हमने राइट टू एजुकेशन लेके आए, राइट टू हेल्थ लेके आए, और इतने बड़े बड़े बिल हमने पास किए और राजस्थान की जनता को हमने राहत देने का प्रयास किया। मैं आपको एक बात और बता दूं, RT के तहत जब तक हमने राइट टू एजुकेशन में, जब पहले लड़कियां फ्री थी, इस बार हमने लड़कों को भी फ्री किया है। 50 यूनिट हमारी बिजली फ्री चल रही थी, उसको हमने बढ़ा के 100 यूनिट कर दिया है। किसानों के लिए हमने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है। विवेक जी, अटल जी को पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप छुप के हमको बोलते हैं कि यार अशोक गहलोत जी का कोई तोड़ ही नहीं हमारे पास, तो भारतीय जनता पार्टी बोखलाई हुई है यार, ये जादूगर रोज क्या क्या पिटारे निकाल के लाता है। और विवेक जी, एक बात और बता दूं, अभी जयपुर में, राजस्थान में एड चल रहे हैं, विज्ञापन दिए हुए हैं कि आजकल में फिर कोई पिटारा खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बोखलाई हुई है, घबराई हुई है कि पहले तो भारत जोड़ो यात्रा में सफलता मिल गई, हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, अब अशोक गहलोत जी के राहत शिविर जो चल रहे हैं इसमें राजस्थान फिर जीतने वाले। तो मैं आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस पार्टी 2023 में वापस रिपीट करेगी। अटल जी, मैंने वही सवाल पूछे जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती है, और राजकुमार जी ने लगभग उसी के जवाब दिए, आप अब अपनी पूरी बात रखिए। देखिए साहब, ये कहते हैं कि हमने बिजली का बिल माफ, आप समझिए कर्नाटका में भी इन्होंने बिजली का बिल के लिए कहा, और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, सरकार बने 1.25 महीना हुआ होगा, 2.29 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। तो बिजली का बिल जब आप ये कहते हैं कि माफ कर रहे हैं बिजली, तो उसका 2.29 रुपए कर्नाटका में 1 महीने बाद ही बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी इनको, क्योंकि इनको पता ही नहीं रेवेन्यू का, इनका रेवेन्यू मॉडल नहीं, इनको ये नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा। आज राजस्थान का हर व्यक्ति 1 लाख रुपए से कर्जदार हो गया है, करीब करीब
ऐसे मानिए कि 1 लाख रुपए से कर्जदार हो चुका है। जब वसुंधरा राजे जी गई थी तब मात्र 36-37 हजार रुपए मतलब का था, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि प्रति व्यक्ति पर 1 लाख रुपए खर्च है, कर्ज है, सॉरी कर्ज है राजस्थान की, उसका 36.72% ये लोग कर्ज ले चुके हैं। सकल घरेलू उत्पादन है कहा जाता है इन्हीं, तो ये थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि ये सरकारी आंकड़े हैं, फायदा लेकर क्या ये सरकारी आंकड़े हैं जो आप हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं? ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। हाँ। और अभी कोरोना का 1% और ज्यादा लेके इन्होंने सारा कंज्यूम कर लिया है जो एक स्टेट ले सकता है कर्ज। आप ऐसे समझिए इनको बहुत सारी चीजें, ये बताइए पहले क्या हो रहा था कोरोना के टाइम, नाती के बाड़े में से बहुत सारे चीजें निकल रही थी, पेपर लीक, दुनिया भर के पेपर लीक, लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार क्या कहते हैं कि बेरोजगार हैं वो सुसाइड कर रहे थे। हाँ। बेरोजगार हताश थे, सोचते थे कि अगली बार पेपर लीक होगा, फिर लीक क्रमवार लीक होते गए। पायलट साहब की क्या मांग थी, पायलट साहब की यही मांग थी कि जो बेरोजगारों को जिनों को जिसके टाइम पेपर लीक हुआ है इनको कुछ दे। क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया। भ्रष्टाचार में क्या किया एसीबी ने, 559 लोगों को तो रंगे हाथ पकड़ा। क्या किया इन्होंने, एक की भी परमिशन नहीं दी अभी तक, बल्कि कई ऐसे अधिकारी है जो तो वापस भी अपनी उनकी नियुक्तियां हो चुकी है। इन्होंने केवल पहले तो वो लगे थे नाती के बाड़े से बहुत सारी चीजें बार बार देने के लिए, और अब 6 महीने से ये जादूगर साहब है, ये अपने पिटारे से कुछ भी रोज नया, हमारे को कोई आश्चर्य नहीं, ये कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि इनको पता है इनकी सरकार तो आनी नहीं है। रेवेन्यू का भार जो बढ़ेगा वो हम ही पे बढ़ेगा, हमारी सरकार तो आने वाली है, 6 महीने तो डिस्काउंट करके चलती है। राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, 6 महीने के जो भी प्रयास है वो ये लोग बस कर रहे हैं। वो तो कह रहे साहब ट्रेंड चेंज कर देंगे, जो 5 साल से ट्रेंड चला आ रहा है। भैरव सिंह शेखावत साहब के बाद से वो जो ट्रेंड है ना, फिर बताइए ना। नहीं आप बताइए, वो ट्रेंड चेंज करने की बात कर रही कांग्रेस। कर्मचारियों का डीए बढ़ता है तो कैसे देते हैं, इतनी आईटी, ये कहते हैं कि आईटी इतनी अभी विकसित हो चुकी है भारत में, तो हो चुकी है राजस्थान में, मैं मानता हूँ कि हुई है, तो एक बटन से जन आधार कार्ड सबके, राहत कैंप देना चाहते थे तो एक बटन से सबको दिया जा सकता था, क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, कुछ ये सारी हाँ। प्रक्रिया मूर्ख बनाने की है, जनता सब समझ रही है और इसका जवाब अच्छा, इस का अभी आज के पहले इनसे पूछते तो आज भी राजकुमार जी के भाषण के अंदर अभी तक जितने भी संवाद हुए हैं उसमें पायलट साहब का नाम आया क्या? ये कह रहे हैं हम एकजुट है, गहलोत साहब का नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी अब कल पूछते तो ये गहलोत साहब के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे थे, आज इनकी तारांबंदी हुई है मुंह की, और आज ये कह रहे हैं कि हम बिना उसके लड़ेंगे, हाथ ये चुनाव चिन्ह वो चुनाव चिन्ह, खड़गे साहब, राहुल, ये क्या है, ये सब इनकी लेपापोती है जो चलती रहेगी, हमें इस पे विचार नहीं कर रहा, हमारे अपने मुद्दे हैं, हम उस पे जनता के सामने जाएंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और ये जो चीज कांग्रेस कह रही है कि केंद्रीय नेताओं में बौखलाहट है इसीलिए दौरे हो रहे हैं ये इनकी अपनी सोच है। केंद्रीय नेता जब भी आते हैं वो बताते हैं कि हम आज इस परियोजना का, आज ये राष्ट्रीय मार्ग का वो करने आ रहे हैं, आज वो परियोजना लगाने आ रहे हैं, बहुत सारी, ये क्या है। अब जब वो आते हैं तो अपनी बात करते हैं, बौखलाहट क्या होती है, सामान्य घटनाएं। वो जैसे कांग्रेस ये कह रही है कि अशोक गहलोत जी का तोड़ नहीं है बीजेपी के पास, तो इनको अभी भी अशोक गहलोत जी का तोड़ नहीं है। ये आप 10 दिन बाद देखिए कि पायलट साहब को भी सम्मिलित करेंगे इससे, कि उनका भी तोड़ नहीं है वास्तव में, हमारे पास तो तोड़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कि प्लेटफॉर्म पे अपने ही लोगों को गालियां देते हो तो हमारे पास कहां है ऐसे तोड़। चलिए मैं पूछ लेता हूँ राजकुमार जी प्लीज। विवेक जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले कि सचिन पायलट हमारी पार्टी के एसेट हैं, राहुल गांधी जी कह चुके हैं,
अशोक गहलोत जी हमारी पार्टी के एसेट हैं, राहुल गांधी जी कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पायलट साहब का नाम लेना बंद कर दे, पायलट साहब के खून में डीएनए में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमारे कांग्रेस के विधायकों के ऊपर डोरे डालने का प्रयास बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी को दो ढाई साल पहले भी मुंह की खानी पड़ेगी और अब भी मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले, भारतीय जनता पार्टी अपनों अपने जो 8-9 मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे चेहरे हैं उनमें पहले समन्वय बिठा ले। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा घर संभला हुआ है। हम फिर कह रहे हैं सचिन पायलट जी हमारे ऊर्जावान नेता है और उनकी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी बार बार बयान देकर के पायलट साहब की ऊर्जा का प्रयोग अपनी तरफ करना चाहती है, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कह देना चाहता हूं दोनों कान खोल के सुन ले, सचिन पायलट हमारी पार्टी के एसेट है और पूरी पार्टी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देगी। और मैं एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः अपने कान खोल के सुन ले कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। पौने 5 साल हो गए विवेक जी, 1.5-2 साल पहले एक परंपरा चल पड़ती है कि आज सरकार तो गई, आज सरकार तो गई, लेकिन अटल जी इस बार एक परंपरा चल पड़ी है राजस्थान के गली मोहल्लों में, सियासी हवा मतलब आप लोग एक बात बार बार सुन सुन के आ रही है, छन छन की आ रही है, आज सरकार तो ओठी आवली, आज सरकार तो ओठी आवली। और विवेक जी तो सियासी हवा भाप ली है मतलब आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी बौखलाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ विवेक जी, आप अटल जी से पूछो कि हमारे केंद्र के कोई भी एक नेता अगर पिछले 2-3 महीने में अगर राजस्थान के दौरे पर आए हो तो बता दो, लेकिन इनके हर 2 दिन में कोई ना कोई केंद्रीय नेतृत्व का नेता राजस्थान में आ रहा है और बार बार आकर के अशोक गहलोत जी की सरकार की योजनाओं को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कान खोल के सुन ले, अशोक गहलोत जी की शानदार योजनाओं को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और राजस्थान की जनता ने जो इस बार मन बना लिया है, चौथी बार गहलोत सरकार, इसलिए इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। तो अटल जी बताइए, राज नहीं बदलेगा और रिवाज जरूर बदल जाएगा। रिवाज मतलब वही 5-5 साल वाला रिवाज बदलेगा पर राज नहीं बदलेगा, ये कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का। सियासी हवा मतलब कांग्रेस अभी से समझ गई है। साहब कबीर साहब का एक दोहा है कि भरो होए सो रीते ही, रीतो होए भरा है। तो ये उसी पर है कि ये लोग भरे बैठे हैं अभी और ये लोग खाली होने वाले हैं। हम तो चुपचाप ही बैठे थे इन लोगों की, ये देख ही रहे थे ना 5 साल से कि ये क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। अच्छा, जो केंद्रीय नेतृत्व हमारा आता है, जो केंद्र में सरकार हमारी है, तो वंदे मातरम अगर ट्रेन चलेगी तो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, हम तो गहलोत साहब को भी बिठाते हैं हमारे मंच पे। आप बताइए कोई राष्ट्रीय परियोजना होगी, सड़क परियोजना होगी तो बॉम्बे दिल्ली जो कॉरिडोर बना है उसपे गडकरी साहब आएंगे तो गहलोत साहब को बुलाया बराबर से। तो ये तो एक सामान्य व्यवहार है, इस व्यवहार को भी ये चाहते हैं कि ये ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, आप बताइए इसका क्या जवाब है। समझने वाली बात ये है कि वो तो कह रहे हैं कि कोई हमारे केंद्रीय पैनल का नेता जयपुर और राजस्थान नहीं आया, लेकिन आपके तमाम नेता जयपुर आ रहे हैं। आप समझिए आज क्या है कि वो जैसे नहीं होता गुब्बारे में हवा भरी जाती। और विवेक जी मेरे साथी अटल जी से ये बात पूछिए, राजस्थान में बार बार आ रहा है तो ERCP में क्यों नहीं बोल के जाता है, OPS में क्यों नहीं बोलता है? राजस्थान के 13 जिलों का किसान, 13 जिलों का खेत पानी मांग रहा है और पानी जैसे मुद्दे पर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री बोल नहीं पाते हैं, झूठे झूठे वीडियो आते हैं। और वो जी वीडियो कैसे आए, घिनौने वीडियो पूरे राजस्थान की जनता ने देखे, ऐसे घिनौने वीडियो। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज ला दो, हम ERCP में पानी ला देंगे। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, 13 जिलों का किसान, 13 जिलों की जनता, लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं, आपको माफ नहीं करेंगे। गजब है राजकुमार जी, ऐसी टिटोली की बात को भी आप सीरियस मानते हो और आपकी जो सीरियस मीटिंग होती है उसके आपके वेणुगोपाल जी कहते हैं पुरानी मीटिंग है तो मजाक थी, आज ये सीरियस बैठे।
ये क्या लॉजिक इलॉजिकली बात नहीं। ईआरसीपी आप अटल जी अपना घर संभालिए, अपना घर संभालिए, कांग्रेस पार्टी की खिड़की दरवाजों में देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वसुंधरा जी को संभाल लो, पूनिया जी को संभाल लो, वसुंधरा जी को संभाल लो, पूनिया जी को संभाल लो, उनकी भी सुन लो थोड़ी सी, पता चल जाएगा। आपने नई परंपरा लगाई थी प्री बर्थडे बन पड़े थे, प्री बर्थडे बन गए, प्री वेडिंग तो सुनी है लेकिन प्री बर्थडे इसलिए बन गए कि जयपुर में बड़ी मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की। और अगर इससे भी आगे आते हो तो किशोरी लाल मीणा जी से पूछ लो उनके क्या हाल है। किरोड़ी लाल मीणा जी थक गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी सुध नहीं लेती है। निकम्मा, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, नालायक, निकम्मा, कैसे शब्द, और अपने किस के उप मुख्यमंत्री जैसे पोस्ट वाले के लिए जिसको ये ऊर्जावान बता रहे हैं। चलिए अभी इनके मुख्यमंत्री नालायक कह रहे थे, निकम्मा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, अटल जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हमारी चर्चा थी कांग्रेस के मंथन में क्या कुछ निकला इस पर, और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, हमने जानने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस ये जो दावा कर रही है कि साहब राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, रिवाज मतलब वही पाँच पाँच साल की जो रस्म अदायगी कह लीजिए या फिर राजस्थान की जनता का मिजाज कह लीजिए, कि सियासत मिजाज कुछ ऐसा है कि पाँच साल आपको चुनेंगे, पाँच साल आपको चुनेंगे। लेकिन गहलोत सरकार के तमाम रिप्रेजेंटेटिव हों या कांग्रेस संगठन के लोग, वो किस बिना पर कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं बदलेगा। क्या कांग्रेस को सियासी हवा मालूम चल गई है? फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।